बॉस, मैं खाना ले आई। इसे यहीं रख दो। ऐसा तो नहीं हो सकता, आप ही ने तो कहा था सबको लगना चाहिए कि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ठीक है, चलो। हेलो सर। सर को इस तरह पहले कभी नहीं देखा। हेलो सर। क्या प्रॉब्लम है? हेलो सर। सर को पहली दफा इस तरह देखा है। सब देख रहे हैं, मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। डरने की क्या बात है डार्लिंग? क्या हुआ? अगर तुम्हें ये अच्छा ना लगा हो तुम घर जा सकते। अच्छा क्यों नहीं लगेगा डार्लिंग? क्या कर रही हो ये? मैं देती हूँ ना। डार्लिंग, मेरे हाथ बहुत दर्द हो रहे हैं, अपने हाथों से खिला दीजिए मुझे। मुझे प्यार से खिलाइए। इतना ज्यादा शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो खाओ। क्या ये वही खड़ूस यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। अपने हाथ से खिलाऊंगी आपको डार्लिंग। सब देख रहे हैं, मुंह खोलिए। ये सिचिन, अब मुझसे पीछा छुड़ाइए। अच्छा तो ये लो, खाओ। आराम से खाइए, कहीं गले में अटक ना जाए। अच्छा है ना? चलो मुँह खोलो। डॉलिंग बस लीजिए, मेरा पेट भर गया। अच्छा भर भी गया? अब ये चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हें इस वाइफ के रोल में बेहद मजा आ रहा है। कोई और हेल्प चाहिए? ये सचिन। तुम फिर से मेरा स्केच तो नहीं बना रही ना? मैं अकाउंट्स चेक कर रही हूँ। कल तुम्हारे स्टोर ने 23,000 का बिजनेस किया था, कॉस्ट माइनस करो प्रॉफिट है 1400। इतनी जल्दी कैसे कर लिया? आदत है, बिजनेस अच्छा था लेकिन प्रॉफिट बहुत ही कम है, तुम्हें सोचना चाहिए। हाँ, नए नए स्टोर्स में ऐसा ही होता है। मेरे साथ तो नहीं हुआ था जब मैंने खोला था अपना वाई मॉल। तुम्हारे पास बिजनेस बैकग्राउंड था, मेरे पास क्या है? तुम्हारे पास मैं हूँ ना। बॉस सलाह दीजिए। तुम सही कह रही थी, शुरुआत के दिनों में मेरे मॉल की हालत भी ऐसी ही थी, क्योंकि बड़े मार्केट में बड़ा प्रॉफिट मार्जिन देने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। लोग समझते हैं कि कस्टमर भगवान होता है लेकिन ये सच नहीं है, कभी कभार उंगली टेढ़ी करके घी निकालना पड़ता है। कस्टमर क्या खरीदेगा ये सेलर के हाथ में होता है। सेलर के हाथ में होता है? प्रमोशन लगा के, डिस्काउंट देकर, उन्हें यकीन दिलाकर। अरे कहाँ जा रही हो? जोया को ढूंढने।